हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं बनाऊंगी मिठाई। मिठाई बनाने के लिए मैं आज स्पेशल मिठाई बना रही हूँ। बिना गैस जलाए हुए ना चाशनी बनाएंगे ना ही गैस जलाएंगे। ये लिया है मैंने मिल्क पाउडर, ये है आधी कटोरी से थोड़ा ज़्यादा घी देसी, ये है पिसी हुई चीनी, ये 1.5 कटोरी है इस वाली कटोरी से नाप के, और ये है 2 कटोरी भुने हुए चने। चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे बड़ा, उसमें हम डालेंगे घी। ये डाल दिया मैंने इसमें घी। अब इसमें डालेंगे हम पिसी हुई चीनी, ये 1.5 कटोरी चीनी है। आप चाहे तो इसमें मिश्री भी पीस के यूज कर सकते हैं, जो कटिंग में मिश्री आती है उसको भी आप पीस के यूज में ले सकते हैं। मैंने यहाँ चीनी को पीस के इसका पाउडर बना लिया है, हम इसका यूज करेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये चीनी अच्छे से घी में मिक्स हो जाएगी तो कुछ हल्का हल्का सा महसूस होगा, लगेगा इसमें। जब हम चलाते हैं तो थोड़ा भारी सा लगता है, जब ये चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी घी में तो ये एकदम फ्लफी फ्लफी सी लगने लगेगी, जैसे कोई चीज़ फूल जाती है उस टाइप में। हम इसको 5 मिनट तक ऐसे राउंड वाइज ऐसे घुमाते रहेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये 1 कटोरी मिल्क पाउडर, इसको भी हम इसी में मिक्स कर लेंगे। अब ये मैंने घी चीनी और मिल्क पाउडर को अच्छे से मेल्ट कर लिया है, ये मिक्स हो गया अच्छे से। अब हम इसको साइड में रख देंगे। अब हम लेंगे मिक्सी का जार, इस जार में ये चने डालेंगे, 2 कटोरी चने हैं, इनको पीस लेंगे। ये भुने हुए चने को मैंने मिक्सी के जार में डाल के पीस लिया है, अभी एकदम बारीक पाउडर बन गया है। अब हम इसको इसमें मिक्स करेंगे। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। अगर घी की ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें घी बाद में भी डाल सकते हैं। पहले हम एक साथ में ज़्यादा घी नहीं डालते हैं, ज़्यादा घी डाल देंगे अगर तो फिर ये मिठाई पेड़े या बर्फ़ी जो भी इनके हम बनाना चाहेंगे, पेड़े या लड्डू, वो आसानी से बनेंगे नहीं, उनसे घी रिलीज़ होने लगेगा। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जिसमें हम मिक्स कर रहे हैं ये बर्तन थोड़ा छोटा है तो हम इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। सारा बैटर इसी में निकाल के रखेंगे। अब हम इसको जब हम घी की ज़रूरत महसूस करेंगे तो बीच बीच में घी डाल भी सकते हैं इसमें। इसको हम ऐसे बना के देखेंगे, इसके लड्डू या पेड़े कुछ भी बन सकते हैं। अभी थोड़ा उस टाइप का नहीं हुआ है बैटर, जिससे एकदम आसानी से सॉफ्ट बन जाए। इसमें थोड़ा घी और पड़ेगा। अब आप देख पा रहे होंगे ये एकदम से सॉफ्ट है। इसके आप लड्डू बनाना चाहे तो लड्डू भी बना सकते हैं, या फिर इसके पेड़े बनाना चाहे तो आप इसके पेड़े भी बना सकते हैं। ये फटाफट से बनने वाली मिठाई है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और हमें चाशनी भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके बनाएंगे पेड़े। थोड़ा सा बैटर लेंगे ऐसे, इस तरीके से गोल गोल करेंगे, जैसे हम बेसन भून के लड्डू बनाते हैं, उसको बेसन भूनते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और फिर कभी कभार जो लोग फर्स्ट टाइम बनाते हैं उनसे उतनी जल्दी नहीं बन पाते हैं। हल्का सा ऐसे प्रेस कर देंगे इनको। आप देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से पेड़ा बन के तैयार हुआ है। इसी तरीके से हम ये सारे पेड़े बना के
रख लेंगे। आप इसको चाहे तो पेड़ा मेकर हो अगर आपके पास, तो आप पेड़ा मेकर से भी बना सकते हैं, नहीं तो आप मिट्टी के जो सांचे आते हैं पेड़ा बनाने वाले उनसे भी बना सकते हैं पेड़ा आसानी से। और अगर कुछ भी नहीं है तो आप ऐसे हाथ से ही बना सकते हैं लड्डू जैसा, ऐसे बना के इसको ऐसे थोड़ा सा फैलाएंगे। ऐसे घुमाते रहेंगे, ये थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाएगा फैल के, फिर हल्का सा इसको प्रेस कर देंगे। ये भुने हुए चने से तैयार किए हुए पेड़े हैं, जल्दी भी बन जाते हैं और खाने में भी टेस्टी होते हैं। इसी तरीके से हम सारे पेड़े बना के तैयार कर लेंगे। ये हमारे भुने हुए चने के पेड़े बनकर तैयार हैं, ये जल्दी बनते हैं, खाने में भी टेस्टी हैं। मैंने इस पे ये छोटा छोटा काट के पिस्ता लगाया है, आप चाहे तो इसमें बादाम भी लगा सकते हैं, जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो, काजू या बादाम। ये मैंने एक प्लेट बना लिए हैं, चलिए फटाफट से दूसरी प्लेट भी बना लेते हैं। ये मैंने दूसरी प्लेट भी पेड़ा बनाकर तैयार कर लिए हैं, इनमें हम लगाएंगे बादाम। ये बादाम को मैंने दो पीस में कट कर लिया है, ये बादाम लगाएंगे इस पर। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो आप वो लगा सकते हैं, काजू भी लगा सकते हैं, नारियल पाउडर में डिप करना चाहे तो नारियल पाउडर में भी इसको डिप कर सकते हैं। ये हमारे जल्दी बनने वाले पेड़े तैयार हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।